इंदौर जिले के डोंगरगांव चौकी पर हुए बवाल ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, मृतक भेरूलाल के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं कांतिलाल भूरिया ने गोली चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि युवती की संदिग्ध मौत के बाद बचे बवाल में ग्रामीणों ने पुलिस चौकी पर पथराव कर दिया था, जिसमें टीआई सहित 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। वहीं पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में की गई फायरिंग से 20 वर्षीय भूरेलाल की मौत हो गई थी। अब ये सारी जब इतनी बड़ी घटना होगी, लड़की के साथ अत्याचार है, उसको हत्या कर दी, उसके बाद मैंने वहाँ पे थाने में जाके रिपोर्ट मंगाने के बाद भाई वहाँ दोषियों के खिलाफ कर रहे हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, उन्हें गोली चला दी और होनहार लड़की को हत्या कर दी। तो इस तरह से सारी चीज़ें आज सामने हैं, जब तक सीबीआई की जाँच नहीं होगी तब तक मैंने स्थिति सामने नहीं आएगी। गोली चलाने वाला भी कार्रवाई होना चाहिए, होना चाहिए उनके खिलाफ होना चाहिए। सोशल मीडिया पे एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ, तो लड़की कोई और थी, तो उसकी कोई जानकारी आपको? नहीं नहीं, अब जो सामने ही लड़की के साथ उसका जांच कराने की बात की थी हम लोगों ने। बुरे जी, कांग्रेस पार्टी कितनी खड़ी है, मतलब परिवार के संग कितना खड़ी है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरी परिवार के साथ खड़ी है, उसके दुख में हम खड़े हैं और उनको न्याय मिले, हम न्याय दिलाने के कांग्रेस पार्टी सब खड़ी। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने टीम बनाई हमारे विधायकों की, हम लोग सब इसलिए आज आए हैं, आज परिवार से मिलेंगे और आगे जो जो कार्रवाई करने का आगे करेंगे।